हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको फेक जॉब ऑफर लेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइम पे मुझे आपके काफी सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि हमें ये मैसेज आया है इंडिगो से, तो क्या ये रियल है या फेक है। सो यहाँ पे आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो आपको मेल आया है या आपको किसी ने फोन किया है या आपको किसी ने डायरेक्ट ऑफर लेटर सेंड किया है, तो आपको कैसे पता करना है कि ये फेक है या रियल है। देखिए, जब भी आप किसी भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस टाइम पे ये प्रोसीजर है कि आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। कोविड के बाद से हमें सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे अगर हम इंडिगो की बात करें तो इंडिगो करियर्स, गो एयर की बात करें तो गो एयर करियर्स, जितने भी एयरलाइंस आपको उनके आगे करियर्स लगाना है तो सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगी वही उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। बट इन केस अगर आप कभी कोई गलत मींस गलत वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हैं, देन आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेंड करते हैं, तो वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कुछ मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, मेल सेंड करते हैं कि लाइक आपने इसके लिए अप्लाई किया था एंड आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको 700, 100 and 1200, कभी कभी तो ये है कि 5000, 10000 भी अमाउंट कैंडिडेट से लेते हैं ये लोग फेक जो फेक ऑफर लेटर्स बना के, राइट। सो मुझे कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर का ऐसे कुछ ये ऑफर लेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मुझे आया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था कि क्या ये फेक है या रियल है। तो इस ऑफर लेटर में साफ साफ आपको ये दिख रहा है कि आपको मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है जो एयरलाइंस बिल्कुल भी नहीं मांगती हैं, राइट। सो आपको साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि ये बिल्कुल फेक है। यहाँ पे मैं आपको जो पूरा क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं सब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप इंडिगो के लिए अप्लाई करेंगे, राइट, सो इंडिगो के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो भी मेल आएगा, मेल में आपको ये जो तीन मैंने मेल आपको बता रखे हैं, नेम किसी का भी नेम, जैसे tasleem@goindigo.in, राइट, इस तरह से हायरिंग सपोर्ट, सेक्सी रिक्रूटमेंट। सो आपको अगर ये तीन मेल नहीं आते हैं, इसके अलावा कुछ और मेल मेल आईडी से आपको मेल आता है, तो आप ये समझ लेना कि पक्का ये फेक है, राइट। कभी कभी ये भी होता है कि आपको वो कैसे भी वो मेल आईडी में आपको आउटलुक से बना के आपको सिक्सी इंडिगो, राइट, गो इंडिगो वगैरह आपको डाल देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिगो से हैं। आपको बहुत ज्यादा केयरफुली कुछ भी पैसे वैसे सबमिट कराने से पहले बहुत ज्यादा अच्छे से सोचना है। प्लीज किसी को भी पैसे सबमिट कराने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। काफी सारे एप्लीकेशंस भी हैं जिसपे आप जॉब्स के लिए सर्च करते हैं, तो उसमें ऐसे आपको मिलता है कि एयरपोर्ट जॉब्स हैं एंड 20,000 पे करना है, आपको जॉब मिल जाएगी, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, ड्रेस के लिए आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। तो कोई भी आपसे अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट के यूनिफॉर्म के नाम पे अगर आपसे फीस ले, इसका मतलब पक्का फेक है, बिकॉज कभी भी कोई एयरलाइन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह यूनिफॉर्म चार्जेस आपसे नहीं लेता है, राइट। सो इंडिगो अपना सिक्योरिटी अमाउंट जो ट्रेनिंग फीस है वो हमसे लेते हैं 50,000, बट वो 50,000 भी वो ऐसे नहीं लेते हैं कि लाइक आपसे उन्होंने मांग लिए, आप किसी भी इंसान को पर्सनली भेज रहे हैं। आपकी जब ट्रेनिंग फीस आपको देनी होती है वो हमेशा आपको ज्वाइनिंग डेट के दिन ही पे करनी पड़ती है, वो भी आईफ्लाई में जाके, राइट। इंडिगो का जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे, जब भी आपका किसी भी चीज में आपका सिलेक्शन होगा, ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू का, तो आप हमेशा जो भी प्रोसीजर होगा ऑफर लेटर मिलने का वो आपको आईफ्लाई जाके ही मिलेगा। एंड जितने भी फेक जो रिक्रूटर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि हम इंडिगो से हैं, तो वो आपको कभी भी आईफ्लाई के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज आईफ्लाई इंडिगो का रियल ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे कैबिन क्रू, पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ सबकी ट्रेनिंग होती है। सो आईफ्लाई में ही हमें ऑफर लेटर मिलता है, आईफ्लाई में जाके ही हमें हमारा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग डे है उस दिन हमें हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है 50,000 की, वो हमें पे करनी पड़ती है, वो भी हम ऐसे ही उनको हाथ में कैश नहीं देते हैं, हम उनको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में। डिमांड ड्राफ्ट का मीनिंग ये है कि बैंक में जाके हमें इंडिगो के नाम से, स्पेसिफिकली इंडिगो के नाम से हमें उनको लाइक 50,000 का चेक सबमिट करना होता है, तो वो लोग हमें बैंक से कुछ रिसीट देते हैं, रिटर्न ऐसे लिखा हुआ कि इंडिगो के नाम से हम ये पे कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें वो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो पे करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, आपको अप्लाई में बुलाया जाएगा, तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है, राइट। सो यहाँ पे अब हम चलेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अगर आपको ऐसा कुछ मिला है मेल वगैरह लाइक कि ये फेक है, तो आप
इनको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इनकी अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सो जब आप इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे आपको ऐसा कुछ शो होगा, इंडिगो कॉशन राइट, चेतावनी। मतलब अगर आपको किसी ने फेक ऑफर लेटर भेजा है तो आप उसकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, राइट, टेक प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आपको फेक ऑफर लेटर्स का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फेक ऑफर सैंपल्स दे रखे हैं, राइट, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बी माइंडफुल ऑफ, आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी फोन करता है या मेल सेंड करता है तो आप पूरे पूरा आपको ऐसे राइट है कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट, एंड जितने भी इंटरव्यू की डेट वगैरह वो आपको बताएं आप उनसे ये भी कंफर्म कर सकते हैं। एंड जब भी आपको कोई भी ईमेल वगैरह आए तो आपको हमेशा वो कोई भी नेम देन @goindigo.in आपको इसी मेल आईडी से आएगा जो यहाँ पे इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से रीड करने हैं, जिसमें यही चीजें बताई गई हैं जो आपको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की हैं। इसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी आपको कोई भी कंफर्मेशन आता है या फिर कोई भी सिलेक्शन का ऑफर लेटर वगैरह आता है तो वो आपको हमेशा बिना फेस टू फेस इंटरव्यू के, जैसे अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको वो बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है बिना फेस टू फेस इंटरव्यू दिए हुए, इट मीन्स तो वो पक्का फेक है। बिकॉज एयरलाइंस का जो सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया, उसमें ग्रूमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको पर्सनली देखे बिना वो ऐसे फोन पे बात करके आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी रीड कर सकते हैं, मतलब हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड अगर ऐसी कोई कंप्लेन आपको करनी है कि आपको किसी ने फेक ऑफर लेटर भेजा है तो उस केस में आप ECO@goindigo.in इस आप ईमेल आईडी पे जाके उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपके साथ जो हुआ है, आपकी अगर उन्होंने पैसे वैसे लिए हैं तो वो किसी और के साथ ना हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना भूल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।